हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे एसटीच के यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग अगेन बीएससी फर्स्ट ईयर का फिर से हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। और इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखा था और उसमें हम लोगों ने रेट कांस्टेंट को डिफाइन किया था और उसी में हम लोगों ने हाफ लाइफ पीरियड को भी डिफाइन किया था। यानी जीरो ऑर्डर की जितनी भी स्टोरी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हर चीज को हर तय तक हम लोग जाकर उसको डिस्कस किया था और उसको फिनिश किया था। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। देखो, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन अब तक आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे वीडियो में हमने डिस्कस कर चुका है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल हैं उनका जो नंबरिंग है, कोफिशियंट है, वही जनरली ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। लेकिन जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आपने देखा कि कुछ एक्सेप्शनल थी, लग तो रहा था वहां पे दो लेकिन था कितना, जीरो। चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जानते ही हो। मान लीजिए कोई जनरल टर्म में हमने एक इक्वेशन लिया ए प्लस बी, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सी में। तो मेरे भाई यहाँ पे बताओ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो दो दिख रहा है हमको, मान लो ए के एक मालिक्यूल है और बी के एक मालिक्यूल है, तो ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन है वो हमको कितना दिख रहा है, दो दिख रहा है। लेकिन जनरली ऑर्डर जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ये कहता है कि रिएक्शन जो हो रहा है उसमें जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है उसमें केवल एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का कंसंट्रेशन चेंज होना चाहिए, तो वो अब हमारा क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। फिर से सुनिए, अगर मान लीजिए ए प्लस बी ये मिल के आपको सी दे रहा है और यहाँ पे दो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपको दिख रहे हैं, तो केवल एक ही का कंसंट्रेशन चेंज हो, दूसरे का ना चेंज हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है? रिएक्टेंट आप कितना भी ले लो लेकिन कंसंट्रेशन जो है किसी एक में चेंज होगा तो वही हमारा क्या होगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। बहुत आसान है, कुछ नहीं है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन यही कहलाता है कि किसी भी रिएक्टेंट में जो हमारा अभिकारक होते हैं उसमें किसी एक मॉलिक्यूल्स के अंडर में हमारा कंसंट्रेशन अगर चेंज होता है तो उसको हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक? तो सर एग्जाम्पल इसका दे दीजिए, एग्जाम्पल चलो इसका दे देते हैं। जितने भी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होते हैं, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मान लो हम यहाँ पे ले लिए, हमने यहाँ पे ले लिया सुक्रोज C12O22 and O11, हमने ये ले लिया सुक्रोज, और इसका जब हमने हाइड्रोलाइसिस करवाया यानी कि वाटर का एडिशन करवाया इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक मीडियम, और किसी कैटलिस्ट को हमने रख दिया यहाँ पे, किसी कैटलिस्ट को हमने रख दिया, वाटर का एडिशन होगा। तो जब वाटर का एडिशन होगा तो ये बनेगा क्या, C6H12O6, यानी ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है C6H12O6। एक आपका बन जाएगा ग्लूकोज और दूसरा बन जाएगा क्या आपका, फ्रक्टोज। दूसरा क्या बन जाएगा, फ्रक्टोज। तो इस रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कैसे, देखो यहां पे तो एक मॉलिक्यूल आपके सुक्रोज के हैं और एक मॉलिक्यूल आपका वाटर का है, तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो मान लो दो होना चाहिए, लेकिन हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सुक्रोज है वही केवल चेंज हो रहा है, इसकी जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन है, वह बहुत कम चेंज हो रही है। चेंज तो हो रहा है, मान लो इसके अगर 100% चेंज हो रहे हैं तो इसका लगभग 1% चेंज होता होगा, तो इसलिए इसको बोलेंगे। जनरली इसको मान लेते हैं क्या, ये अभी भी अपने अंदर में क्या है, कॉन्स्टेंट है, इसको हम लोग कॉन्स्टेंट मान लेते हैं। तो कैसे, ये समझ नहीं आया, मतलब मजा नहीं आया समझने में। देखो, अगर एक कंटेनर में हम किसी भी सब्सटेंस का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो मान लो यहाँ पे कंटेनर में आपके वाटर है, दिख रहा है स्क्रीन पे, यस, यहाँ पे क्या है, वाटर है, और यहाँ पे किसी सब्सटेंस को आपने इसमें एड किया, तो सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में बदल गया, मतलब यह पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल गया, लेकिन पानी, पानी तो उसी कंटेनर में विद्यमान है मेरे भाई, पानी तो कहां बदला है, पानी तो उसी में है। अगर किसी कंटेनर में आप रिएक्शन को करवा रहे हो तो रिएक्शन में जो आपके रिएक्टेंट है वो अगर आके इसमें मिल रहे हैं तो इस कंटेनर में पानी तो है, तो पानी कहां चेंज हो रहा है, पानी की कुछ हिस्सा चेंज हो रहा है, पानी नहीं चेंज हो रहा है, पानी का कुछ हिस्सा चेंज हो रहा है, बल्कि अगर ये जो आपके सुक्रोज के मॉलिक्यूल है ये पूरे 100% टूट गया किसमें, ग्लूकोज और सुक्रोज में, लेकिन पानी, पानी के अंदर आपने रिएक्शन करवाया और पानी के अंदर रिएक्शन करवाया तो पानी का कुछ हिस्सा चेंज, पानी नहीं चेंज हुआ, यहाँ पे यही समझने वाली बात है, पानी नहीं चेंज हो रहा है, पानी का कुछ हिस्सा चेंज हो रहा है।
अब यहाँ पे पूरा सुक्रोज ही चेंज हो गया, ऐसा थोड़ी ना कि अब उस कंटेनर में आके सुक्रोज रखा है, नहीं रखा है, सुक्रोज खत्म, पानी पानी बचा हुआ है इसमें, समझ आ रहा है। तो पानी का जो कंसंट्रेशन है लगभग कांस्टेंट रहता है किसी भी हाइड्रोलिसिस रिएक्शन में। तो जनरली हम लोग बोल देते हैं कि हाइड्रोलिसिस जितने भी रिएक्शन है, अगर किसी रिएक्शन में आप वाटर का एडिशन कर रहे हो, तो वाटर का जब एडिशन करते हैं तो वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाता है। क्यों? क्योंकि मान लेते हैं अगर इसी रिएक्शन में हमने 100 ग्राम वाटर को ऐड किया, कितना 100 ग्राम वाटर को ऐड किया, आपने यहाँ पर रखा है कितने, मान लीजिए आपने 50 ग्राम सुक्रोज के लिया मान लेते हैं, तो यहाँ पे ये कह सकते हैं इसका केवल 1 ग्राम चेंज हुआ है इसको इतना बदलने में, बल्कि इसका 99 जो ग्राम है, 99% इसको बोल सकते हैं, या ग्राम परसेंट कुछ भी बोलो, इतना जो है रिमेन्स कॉन्स्टेंट सेम बचा हुआ है। तो इसलिए हमारा क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कर रहा था। देखो ये सारी चीज प्रैक्टिकली है, मैं तो वैसे ही बोल दूंगा कि जब सुक्रोज और वाटर का आपस में एडिशन करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज बनता है। देखो यहाँ पे दिख रहा है ऑर्डर आपके दो, लेकिन कितना मानेंगे इसको, एक। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक फील दे रहा था, कुछ एक समझ दे रहा था कि अगर किसी कंटेनर में आप रिएक्शन करवाते हो तो वह पदार्थ जिसको आप पूरी तरीके से पानी में डाल रहे हो तो पानी में तो पूरा चेंज हो रहा है, लेकिन पानी तो उसी में कांस्टेंट है ना, उसी में तो बना हुआ है, तो हमारा क्या कहलाएगा, पानी क्या हो जाएगा वहां पे, कांस्टेंट हो जाएगा, समझ आ रहा है। तो ये है हमारे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसका और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूं, तो मान लो एस्टर का नाम सुना है, RCOOR-, अगर इसमें हम लोग वाटर का एडिशन करते हैं तो हमको क्या मिलता है, एसिड मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, और क्या मिलता है, अल्कोहल मिलता है। तो ये बताओ अगर इस कंटेनर में हमने किसी एस्टर का, मान लो यहाँ पे आया गया हमारा ईस्टर यहाँ पे आया, और इसमें क्या है हमारा, पानी है, यानी कि वाटर है, H2O है। तो पानी अंदर आया, इसी में क्या हुआ, एसिड का फॉर्मेशन हुआ, इसी में क्या हुआ हमारा, एल्कोहल का फॉर्मेशन हुआ। तो इसी में आपके एल्कोहल और एसिड दोनों हैं, तो पानी भी तो उसी में होगा, तो पानी तो नहीं चेंज हुआ, पानी केवल एक मात्रा है जो इसको चेंज कर दिया है, एडिशन हुआ है, पानी तो एक मात्रा जिसको चेंज कर दिया, पानी तो इस कंटेनर में सेम बचा हुआ है, पर आपका जो ईस्टर है वह पूरी तरीके से क्या हुआ है, एसिड में और एल्कोहल में चेंज हो गया। मैं एक कॉन्सेप्ट आपका दे रहा था कि इस प्रकार इसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हो। तो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन जितने भी होते हैं वो आपके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहलाते हैं। आई होप आप लोग को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्लियरली क्या होना चाहिए, आपका कंसेप्चुअल उसमें जो होना चाहिए वो क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक, तो चलते हैं अब रेट कांस्टेंट की ओर, कि अब हम लोग फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या करेंगे, रेट कांस्टेंट को डिफाइन करेंगे। रेट कांस्टेंट क्या होता है हमारा, के होता है, रेट कांस्टेंट जिसको बोलते हैं वो क्या होता है, के होता है। तो प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। इसका जो थीम है वो चीज आपको समझ में आ जानी चाहिए। अगर मैं आपका इसका डिफिनेशन बोलूं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच देयर इज अप्रिसिएबल चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। मतलब किसी एक ही मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, अप्रिसिएबल चेंज होना चाहिए। मतलब इसी में देख लो, ईस्टर तो आपका पूरी तरीके से क्या हुआ, फिनिश हो गया, लेकिन वाटर का जो चेंज है वो बहुत ही कम है इसके कंपेरिजन में। तो हम मान लेंगे कि वाटर हमारा क्या है, कांस्टेंट है इस कंटेनर में। ठीक है, तो चलिए अब रेट कांस्टेंट की तरफ बढ़ते हैं कि रेट कांस्टेंट क्या होता है और उसको हम डेरिवेशन करते हैं फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में। ठीक, तो रेट कांस्टेंट क्या होता है उसको समझना है और हमको क्या करना है, उसके लिए डेरिवेशन करना है। तो मान लेते हैं कोई हमारा रिएक्टेंट है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। टाइम टी बराबर जीरो पर, टाइम टी बराबर जीरो पर, अभी रिएक्टेंट हमारा स्टार्ट नहीं हुआ है आपस में क्रिया करने के लिए, तो टाइम टी बराबर जीरो पर जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है वो कितना है, यक्स है, और उस समय जो प्रोडक्ट की मात्रा है वो कितनी है, जीरो है। ये कॉन्सेप्ट पूरा अच्छे तरीके से मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया है जीरो ऑर्डर रिएक्शन में। अगर वो चीज आप देखे हो तो जीवन में इसको कभी आप भूल नहीं सकते कि टाइम टी बराबर जीरो पर रिएक्टेंट क्यों ए होता है, मतलब रिएक्शन नहीं करता है और प्रोडक्ट हमारा जीरो होता है। मान लेते हैं कुछ समय बीत गया, तो ए के कुछ समय बीत गया मतलब टी बराबर टी पे, ए के कितने मोल निकल गए बाहर, एक्स मोल। मेरे भाई अगर ए से एक्स मोल निकल जाएंगे तो एक्स मोल का यहाँ पे फॉर्मेशन भी होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा। चलो अब हम लोग करते हैं क्या, किसके लिए हम लोग कर रहे हैं, ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम कर रहे हैं, फॉर
फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग कर रहे हैं। इसका नोट्स आपको मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, आर इक्वल टू के रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट अगर फर्स्ट ऑर्डर है तो यहाँ पे एक हो जाएगा, तो एक यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं, अगर कुछ नहीं तो मान लेते हैं एक है, ठीक है। देखो आर क्या है, आर हमारा रेट है, आर रेट दो तरीके से डिफाइन किया गया है, एक रिएक्टेंट के रूप में एक प्रोडक्ट के रूप में। तो आर बराबर के रिएक्टेंट। अब देखो ये आर जो है वो दो रूप में डिपेंड करेगा, एक हमारा रिएक्टेंट के और एक प्रोडक्ट में। ये चीज हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, अगर आप लोगों ने उस देख क्या है होगा तो आप अच्छे से समझ रहे होंगे। तो आर हमारा रिएक्टेंट पे डिपेंड करता है, प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, और आर क्या है हमारा स्पीड है। तो इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं डीपी प्रोडक्ट के रूप में, डीपी अपॉन डीटी इक्वल टू के और ये आर। अब देखो ये पी अगर हमारा यक्स बन रहा है तो उस समय रिएक्टेंट हमारा कितना है, ए माइनस एक्स है। यानी अगर पी आफ्टर टाइम टी पर पी हमारा क्या है, यक्स है, तो रिएक्टेंट हमारा कितना है, ए माइनस एक्स। तो वैल्यू पुट अप करिए, तो डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू के ए माइनस क्या हो जाएगा, यक्स हो जाएगा। ये आफ्टर टाइम टी बराबर पे जो पी का वैल्यू है यक्स हो गया, और जो आर का वैल्यू है ए माइनस एक्स हो गया। तो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया। अब इसको इधर लेके आओ, डी टी को उधर ट्रांसफर कर लो, ये हो जाएगा आपका डी एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इक्वल टू के डी टी। बोले सब मैथमेटिकल है, आप कुछ नहीं आप करना है। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग। इसको क्या करिए आप, इंटीग्रेट कर दीजिए, तो दोनों साइड इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे भी इंटीग्रेशन और यहाँ पे भी इंटीग्रेशन। अब देखो ये क्या है, वन बाई एक्स, ये डी एक्स अपान वन माइनस एक्स। अगर इस वन माइनस एक्स के जगह पे हम टी मान लेते हैं तो वन बाई टी हमारा क्या होता है, लॉग टी होता है। तो देखो यहाँ पे हो जाएगा हमारा क्या, अगर हमने इसका इंटीग्रेशन किया तो लॉग, ये नेचुरल लॉग है ln, मैं इसको लिख रहा हूं। तो टी की जगह पे क्या हो जाएगा, ए माइनस एक्स हो जाएगा। अगेन हम लोग जिसको टी मानते हैं उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो ए माइनस एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो ए का जीरो हो जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा, तो वन और माइनस रहेगा, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ln ए माइनस एक्स। ये चीज पूरा मैथमेटिक्स है, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हो तो बहुत आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगेन मैं एक बार फिर से समझाना स्टार्ट करता हूँ, डी एक्स अपान यक्स या डी टी अपान डी जब रहता है तो उसका इंटीग्रेशन हमारा क्या होता है, लॉग टी या लॉग एक्स होता है। तो हमने इसको टी माना तो यहाँ पे लॉग टी हो जाएगा। अब टी की वैल्यू हमने पुटअप कर दिया ए माइनस एक्स, जिसको टी माने उसका फिर इंटीग्रेशन करते हैं तो ए का जीरो हो जाएगा, एक्स का वन हो जाएगा और माइनस रहेगा, ठीक। अब देखो के यहाँ से बाहर आ गया, तो जब के यहाँ से बाहर हो जाएगा तो डी टी का इंटीग्रेशन कितना होगा, टी और एक कॉन्स्टेंट साइन जोड़ देते हैं सी। बोलो बात इतनी समझ में आएगी कि नहीं आ गई, आ गई। अब हम लोग क्या मानेंगे, इसको इक्वेशन नंबर वन मानेंगे। हमको वैल्यू किसका निकालना है, के का। हमको क्या निकालना है, वैल्यू। देखो टी और ये हमको मिल गया, किसी तरह सी की वैल्यू हमको पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, के की वैल्यू निकाल सकते हैं। चलो तो फिर हम अगेन क्या करेंगे, इनिशियली हम लोग यहाँ पे पुटअप करेंगे क्या, टी बराबर जीरो। टी बराबर जीरो पर हमारा प्रोडक्ट कितना बन रहा है, यानी एक्स का मान कितना है, जीरो है। अरे टी बराबर जीरो पे एक्स का मान कितना है, जीरो। तो टी बराबर जीरो पे हमारा क्या हो जाएगा, एक्स बराबर जीरो हो जाएगा। तो टी बराबर जीरो और एक्स बराबर जीरो यहाँ पे पुटअप करते हैं। जब टी बराबर जीरो और एक्स बराबर जीरो हम इसमें पुटअप करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे तो जीरो हो गया तो माइनस एल एन ए हो जाएगा इक्वल टू, इसका मान हमने जीरो किया टी बराबर जीरो, तो के बराबर जीरो हो गया इक्वल टू सी, यानी सी का जो मान है वो निकल के आएगा माइनस एल एन ए। इतना क्लियर। अब मैं इसको रफ करता हूं ताकि हमारे को मिटाने में और समझाने में क्या होगा थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। देखो यहाँ पे टी सी का मान हमको निकल गया, अब सी का मान उठा के इसमें पुटअप कर दो तो ये हो जाएगा हमारा माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी माइनस क्या हो जाएगा हमारा एल एन ए। इतना क्लियर। अब क्या हो जाएगा, एल एन ए को इधर ट्रांसफर करेंगे तो ये माइनस इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो गया आपका एल एन ए माइनस एल एन ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। बोलो क्लियर। अब देखिए इसका क्या हो जाएगा, लॉग ए माइनस बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी। तो क्या इसको हम लोग लिख सकते हैं, एल एन ए अपान ए माइनस एक्स इक्वल टू के टी। अब यहाँ पर टी को क्या करो, इधर भेज दो तो यहाँ पर हो जाएगा के इक्वल टू वन बाई टी एल एन ए बाई ए माइनस एक्स। इतना क्लियर।
अब जब नेचुरल लॉग को हम लोग बेस 10 में बोलते हैं, बेस 10 में उसको कन्वर्ट करते हैं, तो हम लोग किससे मल्टीप्लाई करते हैं, के इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स, और यही आपका मेन डेरिवेशन है, यहीं से आपके क्वेश्चन आते हैं। इसी का मान हमको फाइंड आउट करना था कि के इक्वल टू 2.303 अपान टी लॉग ई बेस ई नहीं सॉरी यहाँ पर 10 हो जाएगा लॉग बेस 10 ए अपान ए माइनस एक्स। अच्छा यहाँ पर अब देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा इनिशियली कंसंट्रेशन है, एक्स क्या है टी टाइम पे हमारा कुछ प्रोडक्ट बन गया है, और टी हमारा टाइम है और के हमारा कांस्टेंट है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हम लोगों ने आपके साथ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब डेरिवेशन किया, उसमें रेट कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट किया, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है इसको समझा, ठीक है। तो इस डेरिवेशन को, इस फार्मूले को आप याद रखिएगा, यहीं से आपके एग्जाम में क्वेश्चन निकल के आते हैं। तो चलिए इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए अपॉन ए माइनस एक्स। चलिए इस पे कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा और हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, केवल आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। पहले फार्मूले को लिख लेते हैं, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग बेस 10 ए माइनस एक्स, ये हमारा क्या है फार्मूला है। इसको एकदम याद रखना रट्टा कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का क्या मान होता है। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन क्या है हमारा, मान लेते कोई रिएक्शन है जो 20% कंप्लीट होने में 10 मिनट का समय लेता है। इसी पे सारा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मान लेते हैं कोई रिएक्शन है जो 20% कंप्लीट होने के लिए 10 मिनट का समय लेता है, तो आपसे पूछ रहा है कि उसी रिएक्शन को अगर 80% कंप्लीट करना है तो आपके टाइम कितना लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है, जैसे मान लो यहाँ पे ए प्लस बी कन्वर्ट हो रहा है किसमें, सी में, तो ए प्लस बी का जो 20% का हिस्सा है वह बदलने में उसको 10 मिनट का टाइम लग रहा है, तो पूछ रहा है इसी का 80% जो हिस्सा है अगर उसको आपको बदलना हो सी में तो कितना टाइम लगेगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट। देखो 20% क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, तो हम मान लेते हैं इसका जो इनिशियली कंसंट्रेशन है वह कितना है, 100 है। जो इसका इनिशियली जो कंसंट्रेशन है इसका वह कितना है, 100% हो रहा है, 100% है। तो 100% से 20% तो निकल गया, यानी इसका 100% से कितना निकल गया है, 20% निकल गया। तो अगर ये बताओ 100% से 20% निकला है तो यानी कि इसका उत्पाद कितना परसेंट बनेगा, 20% बनेगा कि नहीं बनेगा। अरे मान लो ये ए है, अरे ऐसे रिएक्शन को जनरल समझ लो, आर कन्वर्ट हो रहा है किस में, पी में, तो इसका जो इनिशियली कंसंट्रेशन है वो ए है यानी 100 है, चलो ऐसे समझ लो, इसका इनिशियली जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 100% है। अब इसका 20% खप चुका है, यानी कि 20% क्या हुआ है, यहां से निकल चुका है। तब 20% जब निकल जाएगा तो कितना बनेगा प्रोडक्ट आपका, 20% बनेगा। यानी ये जो है आपका, इस क्वेश्चन में हम एक जगह पे कितना पुट अप करेंगे, 100, और x की जगह पे कितना पुट अप करेंगे, 20। बोलो बात क्लियर आई कि नहीं आई, आ गई। और टाइम t बराबर पे हमको कितना रख देना है, 10 रख देना है। फिर से समझो अगेन, ये हमारा क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन है। यहाँ पे भी x हमारा क्या है, कुछ टाइम t बराबर वो रिएक्शन कितना आगे फॉरवर्ड हो गया वो है, तो कितना परसेंट 10 मिनट में वो आगे गया है, 20%। तो x बराबर हम कितना रख देंगे, 20% रख देंगे। t बराबर कितना रखेंगे, 10 मिनट रखेंगे। तो अगर इसको हम सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, मतलब a बराबर हम कितना पुट अप करें, चलो रख देते हैं यहाँ पे, k इक्वल टू 2.303 t बराबर 10 मिनट हो जाएगा log बेस 10 a की जगह पे 100 माइनस 20। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो k का जो मान निकल के आएगा 0.223 आएगा, ये k का आपका मान निकल के आएगा। आपसे क्या पूछ रहा है अगेन कि 80% कंप्लीट करना है, मतलब रिएक्शन हमारा इनिशियली कितना है, 100%, इसका 80% अगर निकल गया तो प्रोडक्ट कितना बनेगा, 80% बनेगा। यानी x का मान हमको कितना मिल गया यहाँ पे, 80%। x बराबर कितना निकल गया, 80। तो फिर से यहाँ पे रखो, हमको क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो इस रिएक्शन को क्या करो आप, इसको थोड़ा सा बदल लो, कैसे, यहां से t को उधर भेज दो, तो t को जब इधर भेज दोगे तो ये आपका t बराबर क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। अब k का मान आपको पता है, तो t बराबर 0.303 आपका k का मान निकल गया 0.223
थ्री लॉग बेस 10 ए बराबर आपको कितना रखना है 100, ए बराबर 100 और x की वैल्यू कितना रखना है 80, क्योंकि 80% में कंप्लीट होने में कितना समय लग रहा है, तो k का मान निकल गया। अब यहां से अगर t का मान आप निकालोगे तो जो t का मान आपका निकल के आएगा वह कितना आएगा, लगभग 7.4 मिनट आएगा, यानी 72 या 73 मिनट के आसपास उसको टाइम लगेगा, सॉरी 72.8 मिनट इसको लगेगा। यानी अगर कोई रिएक्शन है वो अगर वो 20% कंप्लीट हो रहा है तो उसको 10 मिनट का टाइम लगेगा, इसी रिएक्शन को अगर 80% आपको कंप्लीट करवाना हो तो अकॉर्डिंग टू 72 मिनट लगेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यानी कि यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग पूरी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को कंप्लीट किए हैं, पहले उसकी थ्योरी देखे हैं, उसके बाद से उसका डेरिवेशन देखे हैं और उस पर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन किए हैं। बहुत ही प्यारा यह वीडियो होने वाला है आपके लिए, आप अगर इसको अच्छे तरीके से देख लेंगे तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की पूरी स्टोरी क्या हो जाएगी समझ में आ जाएगी। अगर ये आपका कंटेंट, हमारा कंटेंट, हमारा और आपका कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो ये वीडियो क्या करिए, शेयर करिए उन दोस्तों के साथ जिनके पास थोड़ी सी कमी है किसी चीज के लिए, ताकि उनके पास ये वीडियो पहुंचे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। ठीक है, तो नोट्स क्या करिए, अपने स्क्रीन से क्या कर लीजिए, शो कर लीजिए। और अगेन हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम छोटा सा डेरिवेशन करेंगे क्या, हाफ लाइफ पीरियड इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। बहुत ही 10 मिनट का वीडियो होने वाला है, उसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस कर लेंगे कि हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है। और अभी तक अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और शेयर करना मत भूलिए। ठीक है, तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।